ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल, और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 16 अप्रैल 2019 मंगलवार का दिन है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। पूर्वा फाल्गुनी नामक नक्षत्र एवं सिंह राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की यदि हम बात करें तो उत्तर दिशा में रहेंगे, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो गुड़ खा करके यात्रा कर सकते हैं। राहु काल जो कि दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव मेष राशि में, चंद्रमा सिंह राशि में, मंगल वृषभ राशि में, बुध मीन राशि में, गुरुदेव धनु राशि में, शुक्र कुंभ राशि में, शनि धनु राशि में, राहु मिथुन एवं केतु धनु राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार मेष, कर्क, सिंह, कन्या और धनु और मीन, ये 6 राशियों को होगा बड़ा धन लाभ। इनके लिए दिन सबसे अति उत्तम रहेगा। तो मित्रों अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। किस्मत का साथ आपको मिल सकता है। कई तरह के मानसिक कार्यों में आपको अच्छी सफलता मिलने का योग है। दोस्त और साथ काम करने वाले लोग आपकी किसी बात से प्रभावित हो सकते हैं। इससे आने वाले दिनों में आपको ही फायदा होगा। पैसों से जुड़े सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। दोस्तों के साथ समय बिताने का कोई कार्यक्रम बनेगा। दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। परिवार से सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन सोचे हुए काम को पूरा करने में थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती है। रिश्तों और पैसों के मामलों में किसी भी तरह का जोखिम न ले तो ही अच्छा है। पैसों की समस्या के कारण आपको कुछ काम टालने पड़ सकते हैं। मन स्थिर नहीं होने के कारण थोड़ी परेशानियां रहेगी। आप ज़्यादा ही गुस्सा करेंगे तो किसी प्रकार का नुकसान भी हो सकता है, लेकिन रुका हुआ पैसा या धन लाभ होने का उत्तम योग आपके लिए बनने वाला है। और उपाय के रूप में घर से निकलते समय आपको थोड़ा सा गुड़ खाना चाहिए, जिससे आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। अतिरिक्त मेहनत आपको नहीं करनी होगी। सोचे हुए काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। ग्रहों की स्थिति धीरे धीरे सुलझ जाएगी। आपके विचार किसी अधिकारी को भी प्रभावित कर सकते हैं। ईमानदारी का पुरस्कार आपको प्राप्त होगा। अपने ज्यादातर कामों में आप बहुत हद तक सफल हो जाएंगे। आज आप बहुत संवेदनशील रहेंगे। पैसों का तनाव भी दूर हो जाएगा। किस्मत का साथ मिलेगा और सोचा हुआ काम आपका पूरा हो जाएगा। कुछ भी नया करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सितारे ग्रह नक्षत्र आपके साथ देने वाले हैं। और उपाय के रूप में यदि किसी भी पेड़ में आप पानी डालेंगे तो आपके लिए दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। कुछ नया सीखने का अवसर आपको प्राप्त होगा। आपके सामने जो चुनौतीपूर्ण स्थिति आएगी वह रोचक हो सकती है। समय के साथ रहे यात्रा के किसी कार्यक्रम को लेकर आप बहुत उत्सुक हो सकते हैं। अपनी बात साफ ढंग से और सही शब्दों में रखने की कोशिश करेंगे तो सफल हो जाएंगे। यात्रा का योग बन रहा है। योजना बनाकर काम करेंगे तो फायदे में रहेंगे। पारिवारिक जीवन आपका सुखमय रहेगा। और उपाय के रूप में यदि किसी भी मंदिर में आप मिठाई चढ़ाएंगे तो दिन आपका शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। रोजमर्रा के कामों से जुड़ी कोई परेशानी समाप्त होने का योग है। शांति और गंभीरता से काम करें, सब ठीक हो जाएगा। कैरियर में आगे बढ़ने का अवसर आपको प्राप्त होगा। इसके कारण अतिरिक्त आमदनी भी आपकी होने लगेगी। पैसों के निवेश से जुड़े कई तरह के सुझाव आपको मिल सकते हैं। मेहनत अच्छी प्रकार से करें, ईमानदारी से काम करें तो परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाएगी। कहीं से पुराना पैसा भी आपको मिल सकता है। पार्टनर की बातों को गंभीरता से ले, इसका असर आपके जीवन पर हो सकता है। और ऐसा काम करें जिससे आपको संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी। परिवार और दोस्तों की मदद से सारी परेशानियां आपकी समाप्त हो जाएगी। और उपाय के रूप में देवी जी के मंदिर में यदि आप लाल रंग का फूल और थोड़ा सा जो है गुड़ चढ़ा देंगे तो आपके लिए दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा।
अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। जो प्लान आप करेंगे उसका फल अच्छा रहेगा, योजनाएं सफल होगी, कोई अनजाना डर या चिंता भी समाप्त हो जाएगी। जीवन साथी के साथ अपने संबंधों में बड़े बदलाव का अवसर आपको प्राप्त होगा। आने वाले दिनों के लिए कोई अच्छी प्लानिंग भी आप कर सकते हैं। अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव प्राप्त होगा। घर में शुभ मांगलिक या नया काम शुरू हो सकता है। कोई उलझा हुआ मामला सुलझाने पर आपको ध्यान देना होगा, इससे आपको ही फायदा होगा। कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, धन लाभ होगा, घूमने फिरने का अवसर आपको प्राप्त होगा। और उपाय के रूप में यदि सफेद रंग का कपड़ा शंकर जी के मंदिर में दान करते हैं तो आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। किस्मत का साथ आपको प्राप्त होगा। ग्रहों की स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। काम पूरे करने के लिए ऊर्जा और धैर्य आपको रखनी होगी। काम के लिए आपके पास कुछ अच्छी योजनाएं रहेगी और पार्टनर से भावनात्मक सहयोग प्राप्त होगा। दूसरों की मदद करने के मौके भी आपको मिलेंगे। पद और पैसों के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा। कुछ फैसले आपके लिए सही साबित होंगे। किस्मत के सहयोग से धन लाभ होगा। कम मेहनत में ज्यादा नतीजे और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। खुद पर भरोसा आपको बढ़ाना होगा। दिन आपके लिए वैसे बहुत अच्छा है, लेकिन आज आपको घर से निकलने से पहले एक इलायची जरूर खाना चाहिए, जिससे दिन आपका अतिशुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। पुराने वादे निभाने और बाकी बचे काम को निपटाने के लिए दिन अच्छा है। मनोरंजन या घूमने फिरने का समय आपको प्राप्त होगा। आपके समय पर जो है सही काम हो जाएंगे और सही सुझाव भी आपको पता चलेंगे। किसी बात की चिंता में बहुत ज़्यादा फंसने के बजाय समय का आनंद ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। काम करने के तरीकों में सुधार होगा। अधिकारियों से संबंध मजबूत होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी। संतान से सुख मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति के लिए कामकाज की प्लानिंग हो सकती है। उपाय के रूप में पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी सी शक्कर रखना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने और रूठे हुए लोगों को मनाने का दिन रहेगा। कैरियर से जुड़े कुछ अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं, उनका फायदा उठाना आपके ऊपर आधारित रहेगा। आपके पास धन आएगा और परिवार पर आप खर्च भी करेंगे। जमीन जायदाद में निवेश करने का विचार भी आप कर सकते हैं, इससे आपको अच्छा फायदा होगा। पुराने कर्ज से आपको छुटकारा मिल सकता है। आज के दिन बहुत सारी योजनाएं आपके दिमाग में चलती रहेगी। कोई कठिन परिस्थिति आपके सामने आ सकती है, उसका डट करके सामना आपको करना होगा। मन की बातें मन में ही रखने की आदत से थोड़े परेशान भी हो सकते हैं, इसलिए अपने इष्ट मित्र या अपने विश्वसनीय व्यक्ति के साथ अपनी बातों को जरूर शेयर करें, जिससे मन आपका हल्का हो जाएगा। और उपाय के रूप में किसी भी मंदिर में यदि शुद्ध घी का दीपक आप जलाते हैं तो आपके लिए दिन अतिशुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धन संबंधित काम आपके पूरे हो सकते हैं और फोन पर कुछ अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है। आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिलेंगे। अपने मन की बात कहने में संकोच न करें। आज आप हर बात कह डालेंगे जो आपके दिल दिमाग में चल रही है। आप पर कई प्रकार की जिम्मेदारियां रहेगी। अपने नियम और सिद्धांत पर चलेंगे तो आप सफल रहेंगे। कारोबार में नया काम शुरू हो सकता है या नया अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। नया पद, नई प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने वाली है। परिवार का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा और आपको जो भी मिलेगा वह कुछ विशेष रूप से प्राप्त होगा। उपाय के रूप में अपने घर के मंदिर में यदि आप पीले रंग की मिठाई चढ़ा करके परिवार के लोगों में प्रसाद बांटेंगे तो आपके लिए दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। भाग दौड़ या मानसिक परेशानियां आपकी समाप्त हो जाएगी। इनकम आपकी बढ़ेगी। आप घर से किसी तरह का बिजनेस करते हैं तो उसमें फायदा होगा। किसी करीबी रिश्तेदार या करीबी व्यक्ति से आपको धन लाभ होगा। किसी गैर इंसान के लिए आकर्षण या अपनापन आपका बढ़ सकता है। आनंद और मनोरंजन के इरादों को कंट्रोल में रखें। साथ ही आपको किसी भी छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और आगे बढ़ते चले, कर्म करते चले। फल की इच्छा बिल्कुल न करें और इससे आपको ही फायदा होगा, क्योंकि आप जब काम करेंगे तो उसके दूरगामी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और उपाय के रूप में अपने घर से निकलते समय एक लौंग जरूर आपको खा लेना चाहिए, जिससे दिन आपका अतिशुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। दिन सामान्य, धन लाभ होगा, रुका हुआ काम भी पूरा हो जाएगा।
परिवार के लोगों से आपको बहुत अपेक्षाएं रहेगी। ज्यादा भावुक न हो, खुद को नियंत्रण में रखने की कोशिश करेंगे तो सफल भी हो जाएंगे। कुछ परिस्थितियां ऐसी बन सकती है जिनसे आपके बहुत से काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। नया ऑफर आपको मिल सकता है। सेहत के मामलों में दिन अच्छा है और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को खाने पीने की कोई भी वस्तु दान करेंगे तो आपके लिए दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। बहुत से काम आपके पूरे हो जाएंगे, उनसे आपको ही पूरा फायदा मिलेगा। दिमाग और बोली के दम पर आप सारे काम पूरे करवा लेंगे जो आप बहुत दिनों से करना चाहते हैं। अच्छे लोगों से आपकी मित्रता होने वाली है। जीवन साथी की सेहत में उतार चढ़ाव बना रहेगा और उपाय के रूप में पीले रंग का कोई भी कपड़ा यदि आप पहन करके घर से निकलते हैं तो आपके लिए दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल हमने आपको बताया है। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।